दोस्तों पिछले साल माइक्रोमैक्स ने फोन लॉन्च किए थे, माइक्रोमैक्स इन वन और माइक्रोमैक्स नोट वन फोन है वो काफी पॉपुलर हुए थे। स्पेशली जो राहुल शर्मा जी जो है माइक्रोमैक्स से, उनकी जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी यूट्यूब में जो उन्होंने वीडियो डाला था, उससे भी जो है माइक्रोमैक्स का जो फोन काफी पॉपुलर हुआ था और इंडियन ब्रांड्स का मार्केट में वापस आने की जो खुशी थी वो जो है साफ दिख रही थी कि लोग माइक्रोमैक्स का इंतजार कर रहे थे कि माइक्रोमैक्स का नया फोन आने वाला है। माइक्रोमैक्स नोट वन और माइक्रोमैक्स इन वन भी आया था पिछले साल। अब जो है माइक्रोमैक्स थोड़ा और आगे बढ़ रही है, दूसरा कदम बढ़ा रही है इसी तरफ और माइक्रोमैक्स का नया फोन आने वाला है। माइक्रोमैक्स का नया फोन जो है उसका नाम जो हो सकता है माइक्रोमैक्स इन वन, और माइक्रोमैक्स के जो इन वन है वो 19 मार्च को लॉन्च हो सकता है। इस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं और इस तरह के सोशल साइट पे भी जो है माइक्रोमैक्स ने जो है इसका रिवील किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी फोन के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इस फोन के अंदर और क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं और क्या फीचर्स है, क्या रिमेट स्पेसिफिकेशंस हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि यार ये जो फोन है ये किस दिन कितने बजे लॉन्च होगा। ये जो फोन है माइक्रोमैक्स इन वन, ये 19 मार्च को दोपहर के 12 बजे ये फोन लॉन्च होगा और इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा micromaxinfo.com पर, इसे जो है लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। तो माइक्रोमैक्स जो कंपनी है उन्होंने सोशल वेबसाइट पे लिखा, तैयार हो जाओ, माइक्रोमैक्स का नया ब्लॉकबस्टर इन वन इज कमिंग सून, मेड इन इंडिया, डायरेक्टेड बाय इंडियन, स्टारिंग द इंडियन सुपरस्टार, रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे। इस तरह से लिखा है सोशल वेबसाइट पे, माइक्रोमैक्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये फोन जो है वो 19 मार्च को लॉन्च होने वाला है, इस बात से पता चलता है हमको। और दोस्तों माइक्रोमैक्स ने अपनी वेबसाइट पर टीजर को लाइव भी किया है। माइक्रोमैक्स इन वन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कंपनी ने अनाउंसमेंट की है स्मार्टफोन के जो भी संभावित यानी कि जो भी उसमें फीचर हो सकते हैं उसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मतलब लीक्ड जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से माइक्रोमैक्स के इन वन में 6.6 इंच का फुल HD होल पंच डिस्प्ले होने के साथ ही मीडियाटेक G80 हेलियो प्रोसेसर भी हो सकता है, जो कि 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल सकता है आपको। और कहा जा रहा है कि माइक्रोमैक्स के इन वन में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और थर्ड 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी हो सकता है। और दोस्तों इस फोन में शायद आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा ना मिले, इस तरह के रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं। और दोस्तों इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है आपको और आपको इसमें मिल सकता है 5000 mAh की बैटरी के आसपास। और दोस्तों जैसा कि चाइनीज कंपनीज को जो है टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स ने पिछले साल दो फोन लॉन्च किए थे, एक तो माइक्रोमैक्स नोट वन और माइक्रोमैक्स इन वन बी, जो कि काफी लो बजट के फोन्स थे और जिनमें जो है काफी फीचर्स थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाला फोन भी लो बजट में हो और इसमें काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाए आपको। और पिछले दिनों माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने यह खुलासा किया था कि कंपनी 5G पर काम कर रही है और जल्दी ही इसे मार्केट में उतार सकती है, और इसी वजह से इस रूमर को भी हवा मिल रही है कि इस फोन में हो सकता है 5G मिल जाए आपको। हालांकि अभी लॉन्च डेट से पहले ये जो मैंने आपको बातें बताई, जो फीचर्स बताए मैंने आपको, ये भी रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन इस तरह के फीचर्स का अंदाजा लगाया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स इन वन में इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि माइक्रोमैक्स के साथ अब और भी ब्रांड जो है वो मार्केट में उतर सकते हैं, बाकी ब्रांड्स वापस आ सकते हैं। माइक्रोमैक्स जो है अपनी पकड़ बनाता जा रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाकी कंपनीज भी दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दें अपने इंडियन फोन्स को और इसी तरह से हमारे इंडियन ब्रांड्स को ग्रोथ मिले और जो है हम जो है पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड इंडियन फोन्स को यूज करें। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है अगर हमें कम प्राइस में भारत में बने भारत के ही फोन मिल जाते हैं। अच्छा ये होगा कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और हमारे जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।